जी, तो कोई नाम नहीं ले रहा तो मैं शुरू करता हूँ रागिनी से या करण बहादुर से। सर मैं और बोलूं, हाँ बोल सकते हैं, आइए। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम रागिनी है, मैं आगरा से हूँ और मैं बाय प्रोफेशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम करती हूँ। एक 2 साल के बच्चे की माँ हूँ। मैंने ये प्रोग्राम फेसबुक के थ्रू ज्वाइन किया। मेरा मेन मोटिव, इनिशियल मोटिव ज्वाइन करने का था वेट रिडक्शन और थोड़ा अपने डिप्रेशन और एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर आना। इन चीजों में मुझे सबसे पहले पहले वीक में ही मुझे 4 kg का वेट लॉस हुआ। सेकंड वीक जो मैंने ज्वाइन किया है मैंने इसको सस्टेन कर पाया है, मैंने उसको बढ़ने नहीं दिया। एफर्टलेस काम किया, बहुत ज्यादा नहीं कर सकती थी, बॉडी मेरी बहुत स्टिफ थी। ओबेसिटी मतलब मेरा 78 kg पे मैंने स्टार्ट किया था, आज मेरा 74 के अप्रोक्स में वेट है। ड्यूरिंग फर्स्ट वीक मुझे मेंस्ट्रुअल साइकिल भी मेरी आई, जो मेरी इतने सालों से बहुत पेनफुल रहती थी। मुझे हर पहले 2 से 3 दिन तक दो दो टैबलेट्स लेके काम चलाना पड़ता था। इस बार मैंने एक भी टैबलेट नहीं लिया और लास्ट मंथ मुझे 45 days तक कंटिन्यूसली हुआ था। इस बार मेरा 10 days में बंद हो गया। मेरे छोटे छोटे पेन्स, बॉडी पेन, सर दर्द, ब्लोटिंग, गैस, इन सब की जो दवाई, मैं तुरंत जैसे ही सर दर्द हुआ तुरंत दवाई खा लिया, जरा सी एसिडिटी हुई तुरंत से पेंटॉप डी खा लिया, ये सब चीजें मेरी बिल्कुल बंद हो गई। फूड क्रेविंग मेरी बिल्कुल 50-60% डाउन हो गई है। स्वीट क्रेविंग मुझे बिल्कुल बंद हो गई, मुझे मीठा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है। मैंने 2 हफ्ते में शायद 2 या 3 चम्मच चीनी ली होगी, वो भी ऑफिस में चाय में, 3 चाय 3 दिन ऑफिस में बस वही पिया है। इसके साथ में एनर्जी लेवल, मूड स्विंग, मेरी मल्टीटास्किंग, मैं भयानक मल्टीटास्किंग करती थी। मतलब सो ही नहीं पाती थी, दिमाग के घोड़े कहाँ से शुरू होते थे और कहाँ तक दौड़ते चले जाते थे, मैं खुद नहीं उनको रोक पाती थी। उसमें मेरे बहुत कमी आई है, स्लीप क्वालिटी बहुत अच्छी हुई है। इसके साथ में हर दिन मुझे एक नया एक्सपीरियंस हो रहा है। तो अब तो ये वेट लॉस और इंच लॉस तो मेरी पुरानी बात हो गई है, हर दिन मुझे एक नया एक्सपीरियंस हो रहा है। और मैं 1 महीने के लिए और जुड़ी हूँ। अब अफसोस हो रहा है कि मैं 1 महीने के लिए क्यों जुड़ी हूँ, मुझे और 3 महीने के लिए लेना चाहिए, 3 से 6 महीने का लेना चाहिए था। बट मैं पहले पॉजिटिवली 1 महीना कंप्लीट करके फिर आगे भी फर्दर। पहले वीक में मुझे, आज जब मैं दोबारा सब कुछ सुन रही हूँ, तो आज का सेशन भी यही सेशन जो लास्ट सैटरडे हमने किया था, उससे फार बेटर मुझे कुछ समझ में आ रहा है। वो 10-20% अब शायद 40-30 पे, 40-50 पे पहुंचा है और आगे अटेंड करूंगी। तो अभी मैं अपना 100% नहीं दे पा रही, मैं चेकलिस्ट प्रॉपर नहीं कर पा रही हूँ। अपना जितनी एनर्जी होती है, मैं सूर्य नमस्कार बहुत स्लो कर पा रही हूँ, स्पीड नहीं ले रही हूँ मैं अभी सूर्य नमस्कार में। बाकी सबकी तरह मैं नहीं 35 तक पहुंच पाई हूँ, अभी मेरा 20 तक ही पहुंचा है। एक श्लोक में मेरा एक सूर्य नमस्कार करने की कोशिश कर रही हूँ। हर हर आसन में फुल स्ट्रेच ले रही हूँ, पहले मुझे अपनी बॉडी को लूज करने का सोचा है मैंने। और आप लोगों के साथ, आप पूरी टीम के साथ में और आगे के महीनों में आप लोग को साथ देखना चाहूंगी, आपकी लाइफ में भी और चेंजेस, पॉजिटिविटी आए, ये मेरी आकांक्षा है। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, स्तुति ने डाला, स्तुति आप आ जाइए, अपना नाम डाल दीजिए, किसको जल्दी हो तो उसी क्रम से हम ले सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम श्रुति मिश्रा है, पहले दिन से बताया है, और आई एम एन एस पी एजी कंसल्टेंट, जो कि ऑटोमेट करती हूँ विद ऑल कंपनीज अब्रॉड हियर। तो दैट इज माय प्रोफेशन, और विद इन एन आईटी प्रोफेशन सबको पता है कि इट गेट्स लाइक वी डू नॉट गेट मच ऑफ अ वर्क लीजर। अभी वर्क फ्रॉम होम है तो इवेंचुअली वी आर एंग्रोस्ड 24 आवर्स, 24 घंटे भी काम करा ही लेते हैं हम लोगों से, बिल्कुल स्क्वीज कर देते हैं। तो
फॉर दैट सेक मैं अपने आप पे तो समय बिल्कुल दे नहीं पा रही थी, बट इवेंचुअली गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग विद जिनेंद्र जैन सर हेल्प मी अ लॉट, और सुबह उठने की आदत पड़ गई है। अगर 5 बजे नहीं उठ जाती हूँ तो बुरा सा लगता है, बट वाई एम आई नॉट गेटिंग अप एट 5, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आई इम्प्रूव्ड अपॉन माई एंगर मैनेजमेंट, कि मतलब मैं आई वॉज अ बिट ऑफ शॉर्ट टेम्पर बट आई एम इम्प्रूविंग अ लॉट ऑन इट, एंड मे बी जैसा सर ने सिखाया हंसना चाहिए, तो आई लाफ अ लॉट। पहले भी मैं बहुत हंसती हूँ, बहुत ज्यादा हंसती हूँ, इतना हंसती हूँ कि लोग मुझे बोलते हैं कि मतलब कोई सुनेगा तो कहेगा ये कैसे मतलब हंस रहे हो, सो आई एम अ बिग बिग लाफर फॉर दैट। एंड थर्ड थिंग, वेट लॉस हुई है सर, आई एम अबाउट टू मेजर इट, जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा आई विल मेजर इट बिकॉज आई डू नॉट हैव अ वेइंग मशीन, और इंच लॉस हुई ही है। एंड सिंस बीइंग अ प्योर वेजिटेरियन, तो मैंने सिर्फ अभी जो गुजारा आपके साथ आपके सानिध्य में अकॉर्डिंग टू योर रूटीन, तो मैंने तो सिर्फ ये तरबूज के जूसेस पिए एंड पानी पिया, ऑनेस्टली फॉर 6 डेज आई रेज माई हैंड्स एंड आई से दैट, और कुछ नहीं लिया है मतलब आपके सानिध्य में, एंड मे बी लाइक आई कुड डू इट, दैट इज माई विसिनिटी एंड आई फील प्राउड ऑफ इट। और फोर्थ थिंग, आई एम लर्निंग टू फॉरगिव पीपल, जो कि पहले नहीं थी मेरे में। आई यूज टू से कि आई यूज टू थिंक जैसा जैनसर ने बोला कि कोई 48 मिनट्स में फॉरगिव कर देता है, कोई 48 आवर्स लगाता है, कोई 48 डेज लगाता है, कोई 6 मंथ्स तक सोचते रहता है, तो आई यूज टू फॉल इन सेकेंड कैटेगरी। मैं भी 48 डेज तक सोचते रहती थी दैट हाउ डिड पीपल टॉक टू मी सो हार्शली एंड अदर थिंग्स, बट अब मैं अपनी उस आदत को हैबिचुएट करूंगी कि आई फॉरगिव पीपल विद इन सेकेंड्स और मे बी जस्ट 48 मिनट्स, जो कि एक एम्पल टाइम है जो सर ने बताया। आई ट्राई टू डू दैट इज वेल, एंड अगेन आई लव माई सेल्फ, आई कीप पीपल हैप्पी जो मेरे इर्द गिर्द हैं। आई लिव विद माई मदर बिकॉज आई हैव अ सिंगल पेरेंट, आई डो नॉट हैव माई फादर। एंड वेन जिनेंद्र जैन सर सेज अबाउट कैंसर, तो आई जस्ट लाइक टू से माई फादर वॉज अ कैंसर पेशेंट, ही हैड अ प्रोस्टेट कैंसर एंड ही फॉट इट फॉर 18 good years, एंड नाउ आई फील a little cheated because I didn't know you sir, agar aap se pehle judi hoti to main papa ko zinda rakh pati aage bhi, and I could have told him the exercises, he would have been there with us, but nonetheless no repentance, ab wo nahi hai hamare sath, but then jo bhi mere ird gird hain, my mother, my husband, my friends, my close ones, my sisters, to unko main zarur bataungi is program ke bare mein ki that this is a 360 degree immense helpful program, जो कि शतवाशक अपने आप में नाम ही है कि मतलब कहते हैं चहुमुखी, चारों दिशाओं से ये हर चीज प्रोवाइड करता है। मे बी एंगर मैनेजमेंट, मे बी एपेटाइट मैनेजमेंट, मे बी आप अच्छा काम नहीं कर पा रहे हो, अच्छी एनर्जी लेवल नहीं मेंटेन कर पा रहे हो, सो ऑल दोज फंडामेंटल्स जो कि आपने एक प्रोग्राम में दिया विद इन 6 डेज, दैट इज कमेंडेबल एंड अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉड टू यू और आपकी मैनेजमेंट पूरी टीम को। And these were my whereabouts, जो कि मैंने महसूस किया 6 days में, and further would like to be a part of you sir, and जैसे जैसे चीजें आपने बताई कि for canteen or coach or maybe joining this program or helping others also, so I would be dialing your number, आपसे मैं contact करूंगी after this program, और मैं अपने आप को दोबारा से कितने दिनों के लिए या 6 महीने या 1 साल या whatsoever time मैं एनरोल करना चाहूंगी, और जो पहले के पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें से मैं नाम लेना चाहूंगी, विदुला का, रागिनी जी का, करण भास्कर जी का, रेखा मैम का, स्वाति मैम का, जिनको कि मैं देख पा रही हूँ, एंड दे आर दे देमसेल्व्स दे कमेंट्स गिव मी एनर्जी कि बाप रे, मतलब मैम इज सो शी इज हैविंग एन एज और वो कर पा रहे हैं, एंड शी सेज आई एम डूइंग नेटी, आई एम डूइंग दिस, तो उससे भी एक मुझे हिम्मत मिलती कि जस्ट लुक एट हर एज, वो इतने एज में कर पा रहे थे, व्हाट इज रॉन्ग विद मी, मैं क्यों नहीं कर सकती, और मैं करूंगी उस चीज को, एंड आई विल फॉलो दैट, एंड थैंक यू टू ऑल एवरीवन, एंड आई वुड आल्सो से लाइक रागिनी सेड कि जो जो पार्टिसिपेंट्स हैं मैं उनको आगे देखना चाहूंगी अपने साथ, बिकॉज आई हैव नोन यू फ्रॉम वेरी क्लोज, बीट सुनीता, बीट मोनी जी, सब लोगों को मैं देखना चाहूंगी, बीट फॉर अ वीक आप टेस्ट करके देखिए, यू वुड लव इट डेफिनेटली, एंड जैन सर कोटि कोटि प्रणाम आपको वंस अगेन, लाइक पेरेंट यू हैव ट्रीटेड अस, मैं इतना बोलूंगी, एंड वुड लाइक टू बी इन टच विद यू सर।
थैंक यू वेरी मच। आपने तो थोड़ा मुझे इमोशनल कर दिया अपने पापा के बारे में बता के, कितना सीरियसली सर, क्योंकि उनका मैं बस 10 मिनट्स और लूंगी। पापा का लॉस कितना बड़ा लॉस है कि वो मतलब चल फिर नहीं पाते थे सर, ही वाज अनेबल टू वॉक और ही इज मींस ऑल बॉडी पार्ट्स वर नॉट वर्किंग, मतलब स्थिति उनकी खराब हो गई थी। एंड वी गॉट हिम ट्रीटेड इन टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल एंड फॉर 18 इयर्स ही फॉट, बट इन द ईयर 2018 इट वाज 18th of October और उस दिन मेरी एंगेजमेंट थी, बट दैट डे आई रश्ड फ्रॉम माय ऑफिस, आई टुक अ फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली रीच रांची और मैं भागी एट 1:40 आई टुक हिम इन माय हैंड्स एंड ही टुक द लास्ट ब्रेथ, मुझे आशीर्वाद भी दिया एंड आई केम विद ऑल माय बैकपैक्स, मेरी सारी एंगेजमेंट की चीजें थी, मेरी जोड़ा था उसमें, बट आई कुडंट टेक दैट थिंग्स विद माय फादर, ओ आई कुडंट डू माय कन्यादान, बट दैट्स इट, दैट्स गुड, बट आई फील एनर्जेटिक नाउ दैट ही हैज गिवन अस अ लॉट ऑफ एनर्जी, दैट आगे लोगों को एजुकेट करो व्हाट इज कैंसर एंड कोई मुंह फेरता है इस चीज से तो टीच देम दैट दिस इज अ डिजीज which has to be fought back and it can be fought back whether it is through medicines or through like such coaches jaise aap hain, so that is really thing which my father has taught me and now being as a parent you are teaching, so thank you so much, I'll be continuing this effort, thank you sir. Sir main share karti hu, karan ji ne naam dala hai abhi. Just pray for his soul and let him be at bliss wherever he is. My name is Karan and I'm from Bangalore. I'm 48 years old and I have a startup. I'm in the space of co-living and co-working space. So I have joined this program primarily to understand that what impacted me was no medicine. And that was my primary thing. And weight loss, I think, came in as a bonus to me, because as of today, sir, 8 kilos. I don't know what is happening, but it's 8 kilos since 2 weeks. 10th is when I joined. I was 85 kilos. I'm today, aaj subah mein jab maine check kiya, I'm 77. This is amazing because I've discovered myself. One. Second, this is a program, I think, holistic program. I think it touches every part of everyone, be it mental, be it physical, be it thoughts, spiritual, around you, everybody, nature. I'm talking about the 6 elements. It touches everything. So I think that's what it is important. That's what the emphasis is on. And what I like about this program is that I've transformed myself. I've seen myself as a new person. Everybody around me, obviously this is a lockdown in Bangalore, but I'm proud. I'm talking about this to everyone so that I could spread to as many people, and if they could even impact even one person, and that one person can become many more, is the intent. And I'm sure at even my place, home itself, they're very worried, but they've seen me even more in this. I used to 10 years back, I had gone much more less than this by just physically exercising and on my food. But this is amazing. I didn't know that how I started 10 days back without just water and, you know, a few vegetables and fruits. I'm practicing the same way. I'd gone to even 48 to 60 hours of just water. This has given me the confidence that, you know, medicine without medicine is possible. One. Second, it has given a big ease to my life. My body is, you know, it's loving myself. It's loving me, probably, I would say, to say that you don't need anything else. You know, having the right food, right, you know, amount of things, I would say. I'm not even gone, I've not gone on or overboard to eat, but I certainly want to continue this as much as possible. The craving of food has never been there. Though I see people eating around me, I just want to, you know, check on my willpower if I can withstand and I'm able to do it easily. It's not even bothering me at all.
I know my body, it shouldn't be impacting. The more you think, I think more you go towards that side, and it's still not bothering. It's helping me in a lot of ways, focusing, disciplining myself, putting a structure to my routine. I think that is important. So if the millennials now, the lifestyle of people talk about us, I have a 48-year-old, and if you talk about 20-year-old, people, I have a son who is 10-year-old. He wants to join now. He's so excited. He says he wants to fast today. He didn't say anything about else. He says, I want to fast today, Dada. I told, okay, let's see. What I see is there's going to be a huge problem in health, food, mind, stress, psychological impact, families becoming nuclear, people not getting married. I'm talking about it's going to be a huge, huge problem in the world. And as JJ sir said, I think a lot of opportunities are here to impact, to become a coach, to spread this wonderful and beautiful course that JJ sir has spent this 30 years of. Spent half of his life contributing to putting this as a curriculum to us. And 6 days is nothing. I feel that, and hence I'm committed for 3 months. I might even go for more. I would not say me. I should go for more. Because these 6 days is just a glimpse. It just touched on the ice. You need to penetrate into it. And the 6 days will not condition you. You have to surrender to this. You have to put your effort. You have to, give. This is your life. Come on, guys. This is your life. You have to spend. Otherwise, who else will? Jaan hai toh jahan hai na. So you have to do this. If you do this, you will see. And the initial days, yes, it will be tough. But what else can you do? You have to put this effort. And I'm sure I'm trying to do this. In the past, I've done many courses, but it is that 1 month, 2 months impact, and then I've forgotten. It was so immensely blissful at that time. But I know how important this is. And this has given a very different dimension to my life and approach of life. So I want to continue. Hopefully, I have all the aspiration and manifesting that it will all happen true. And I wish that everybody in this world, be in peace and harmony. Everybody is lovable. Everybody helps each other. And this is what my aspiration is. So please, guys, join and probably continue. That 6 days is nothing. I've hardly even learned to 10 to 20%. It's much, much more than this. Every time I'm picking up something, every time I'm learning something. And that to happen and that to impact, you have to be with this. It is like conditioning yourself. Condition yourself for some time and then you will change. You will never leave this whole practice. I'm getting up at 4, finish my cold water. This cold water is still not, I talk to the water now. Like JJ says, there is energy. You talk to it and you'll love the water feel. So why is this happening? It's amazing, isn't it? Answers are there in the nature. Only thing, you need somebody. You need a handholding. And this handholding has to be there for some time. It can't be just for the 6 days. 6 days is just a glimpse. And 2 weeks, I have transformed, So I would love to see the same transformation for everyone to be lovable and to love yourself. Thank you. Thank you, Karan. Thank you. Vidula ji. Hello. मैं विदुला बात कर रही हूँ. मैं कोल्हापुर से हूँ. By profession, I am a professor teaching in an engineering college. मैंने पिछले हफ्ते पूरा फॉलो किया था, रूटीन जो अनशन था वो सब. इस हफ्ते में मैंने थोड़ा खाना खाया, बट मैं वापस मुझे फील होने लगा कि पहले से जरा हो रही हूँ मैं वापस गुस्सा, वापस इरिटेशन. अभी खाने से मन उड़ गया है. और ये एक हफ्ता दो हफ्ते में नहीं होने वाला है. दिस विल टेक टाइम. यू हैव टू स्टे कनेक्टेड. आई जस्ट ओनली वॉन्ट टू टेल एवरीवन दैट कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये दो चीजें मुझे बतानी थी कि अभी मैं थायराइड के लिए ज्वाइन हुई थी, लेकिन अभी मैं ये यहाँ पे कर्फ्यू है तो ज्यादा नहीं चेक करने को मिल रहा है, और मैं कंटिन्यू आगे करना चाहती हूँ. सबको ये बताने चलू कि कंटिन्यूएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक हफ्ते में ये चीज समझने वाली नहीं है, फर्स्ट हफ्ते में ये चीजें है करके समझ में आएगी, लेकिन कैसे है वो समझने के लिए दिन चाहिए. बस मुझे इतना ही बोलना था. मैंने पहले 12 रोज सूर्य नमस्कार लास्ट ईयर से चालू किया था, लास्ट लॉकडाउन से. तो मुझे अभी पता भी नहीं चलता कि मैं कब सो निकाले. अभी जब बक्तांबर खत्म भी नहीं होता तो आई वुड हैव कंटिन्यूड. मेरी कैपेसिटी मुझे ये
सेशन से पता चली, नहीं तो मैं 12 करते करते थक जाती थी, मतलब 12 कब वो 12 फिनिश हो जाए ऐसे लगता था, मतलब मैं इतना स्लो करती थी। और अभी मुझे मेरे को पता नहीं चल रहा है कि मैं कितनी कर रही हूँ, जब तक म्यूजिक स्टार्ट है मैं करती रहती हूँ। That is wonderful thing I've got from this session. Century लगा लेती हो, century हो गई आपकी, century. मतलब वो आप खत्म किया तब पता चलता है कि खत्म हो गया है. और बुरा लगता है खत्म हो गया है. I wanted to continue further. बिल्कुल. मोनी जी आप आ जाइए. नमस्ते सबको. हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी. हाँ जी सर, सबको नमस्ते. हेलो, कैन यू लिसन? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए. मैं मोनी महाराष्ट्र औरंगाबाद से बात कर रही हूँ. मैं मेडिकल प्रोफेशन से हूँ और मैंने जब फेसबुक पे आपका इन शॉर्ट जब सुना था तो मैंने वो जो पॉइंट मेरे को ज्यादा पसंद आया, जो कि यू कैन बी विदाउट मेडिसिन एंड हेल्दी लाइफ, तो इसके लिए मैंने तुरंत ज्वाइन किया था. एंड आई वॉज ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग इन टू सम सिस्टमिक डिजीज बिकॉज आई नो एज आई एम इन मेडिकल फील्ड. Because my waistline was 36 inches and weight इतना बढ़ रहा था कि 70 के आसपास हुआ था और मेरा पूरा बॉडी पेन होता था, arthritis या फिर मसल पेन, पता नहीं. फाइब्रोमायल्जिया डायग्नोज किया था फिजिशियन ने और कुछ चल रहा था. बींग ऑल द ब्लड पैरामीटर्स वेर नॉर्मल बट आई वॉज जस्ट अनइजी थ्रू आउट द डे. सो आई ज्वाइन and within 6 days I could experience the change. I discovered my food, means itne kam period mein I discovered the food, jo ki sir ne special kaha tha ki it's not a diet program, you yourself will discover the food. Aur ye maine bahut bada gain kiya is dauran aur energy level bhi mera 90% has gained being on this food without carbs. तो जो आपने सिखाया कि for energy, food is not the energy source, nature is your energy source. So that I discovered in this few means 6 days period. और मेरा 3 kgs 6 दिन में कम हुआ है. Waistline में ज्यादा फर्क नहीं हुआ है, 1 inch कम हुआ है. और मेरे हाँ खास वजह मीन्स इसमें आई कुड स्लीप वेन एवर आई वॉन्ट. दिस इज द मेन अचीवमेंट आई हैव गेन्ड इन दिस 6 days ऑफ पीरियड. पहले मैं सो नहीं पाती थी, मेरा कॉन्सेंट्रेशन या बोलो कि ऐसे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब या फिर थॉट ऐसे ये होते थे और मैं एकदम से मतलब बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कर पाती थी. अभी मैं दोपहर में भी आई कुड हैव अ शॉर्ट स्नैप एंड और रात में भी मैं जो आपने जो बताया कि कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रीदिंग एंड मैं तुरंत 5 मिनट में सो पा रही हूँ. सो एंड आई एम वेरी मच ब्लेस्ड टू आई फाइंड माई सेल्फ लकी दैट आई ज्वाइन दिस एंड आई वुड बी कंटिन्यूइंग. और मैं आसपास के सभी के लिए ये मतलब अवेयर करना चाहती हूँ, जो भी है ना, विदाउट मेडिसिन यू कैन रिकवर फ्रॉम योर डिजीज. ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा. अगर मेरे से कुछ लोगों का भी अगर फायदा होगा तो आई विल बी ब्लेस्ड. आप तो प्रोफेसर हो मोनी जी, आप तो पढ़ाते हो बच्चों को पढ़ाएंगे ना ये चीजें? यस सर, श्योर सर. मेरे फैमिली मेंबर्स को तो खास करके एंड आई विल बी हैप्पी टू इन्वॉल्व देम. दे आर हियरिंग, चिल्ड्रन आर हियरिंग. मेरे दो बेटे हैं, 12th में है और एक 7th में है. दे आर ऑल्सो गेटिंग एंड वॉचिंग मी माई फूड एंड ऑल. ओके, बहुत बढ़िया.
थैंक यू सर, थैंक यू। यू आर वेलकम। हाँ जी, किसने नाम डाला अभी अपना? तुलिका, तुलिका जी आ जाइए। तुलिका जी सर, पहले तो बहुत बहुत थैंक्स, मतलब समझ में नहीं आ रहा कैसे थैंक्स करें, क्योंकि जब व्हेनेवर इनिशियली व्हेन आई जॉइन दिस प्रोग्राम, उस समय बस फेसबुक में स्क्रॉल करते वक्त कुछ आ रहा था आर्ट ऑफ लविंग योरसेल्फ, तो लगा चलो कर लेते हैं, 199 रुपीज लिखा है, 3 घंटे का सेशन है, क्या है जानते हैं इसके बारे में। उस दिन 3 घंटे में ही इतना ज्यादा एनर्जी फील हुआ सर आप जो बताए, तो लगा कि नहीं ज्वाइन करना चाहिए। और राइट नाउ आई एम गोइंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट फेज इन माय लाइफ सर। आई हैव बीन मैरिड फॉर 7 इयर्स बट आई फेस डोमेस्टिक वायलेंस एंड 15 डेज बैक माय हस्बैंड लेफ्ट मी अलोन, सो आई एम गोइंग थ्रू वेरी वेरी डिफिकल्ट फेज। बट इन लास्ट 6 डेज द वे आई हैव कंट्रोल्ड myself, my emotions, even my parents don't know what is going in my life. Sir, उनको कुछ नहीं पता है कि क्या चल रहा है मेरे लाइफ में। बस सर आप जब बोलते हो कि शाम को फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, मेरे पास कोई नहीं होता है। But I learned to love myself. I keep myself happy, and I feel that I will be strongly dealing with this situation. In last 7 years, I stopped growing in my career. Initially, I was very, very successful, very happy, very charming person. But things have changed in my life. But now, फिर से एक positive hope लग रहा है that my life will change. I will be strong. And apart from weight loss, eating right, क्या खाना है नहीं खाना है, उससे सबसे बड़ी बात जो इस प्रोग्राम में समझ में आई है वो अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करना है, खुद को कैसे प्यार करना है और कैसे खुश रहना है। अभी अगर मैं थोड़ी इमोशनल हूँ तो वो बस एक इमोशन है, अदरवाइज लास्ट 6 डेज में द एंटायर डे वॉज वेरी हैप्पी फॉर मी एंड आई एम स्टिल पॉजिटिव। Earlier, I used to have a lot of irritation for people around me कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों कर रहे हैं मेरे साथ, लेकिन now I have forgiven everyone and I forgive myself, I forgive everyone, I trust my life that things will be good. So that is the best learning for me and I will continue in this program. So. तुलिका बहुत बहादुर हो आप, बहुत बहादुर हो आप, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सुनीता जी आप आ जाइए। सुनीता जी मैं सुनीता भास्कर चौहानपुर से हूँ। मैं इस प्रोग्राम के बारे में फेसबुक में से मुझे पता चला और व्हाट अट्रैक्टेड मी एट द फर्स्ट मोमेंट वाज द प्रॉमिस ऑफ मेडिसिन फ्री लाइफ, क्योंकि मैं कुछ सालों से मेरे शुगर प्रॉब्लम के कारण इतना मेरे को मुश्किल हो रहा था, कभी वो स्टेबल नहीं हो रहे थे, बहुत बार मेडिसिन बदलते थे, बहुत तरह का ट्रीटमेंट मैं करती थी लेकिन कुछ भी मुझे ऐसा नहीं लगता था मेरे को सूट कर रहे, क्योंकि बहुत सारे मुश्किलें होते थे और लेवल हमेशा फ्लक्चुएटिंग हाई रहता था। तो ये था बेसिक रीजन मैं इस प्रोग्राम में आई हूँ और ये 6 दिन में मेरे को इतना खुशी फील हो रहा है क्योंकि मेरी रीडिंग्स इतना अच्छा कभी नहीं आए और मॉर्निंग में मेरा आज 135 था, कल आफ्टर फूड 110 मेजर किया, तो ये सब मेरे को बहुत खुशी दे रहे और उसके साथ ये जो प्रोग्राम में जो एक्सरसाइज वगैरह भी करा रहे हैं, मैं कभी इतना अपने आप को फिजिकली एक्टिव नहीं रखा है इसलिए मुझे कभी फील नहीं होता था मेरे से ये सब होगा, तो ये फीलिंग मुझे दिया है इस प्रोग्राम ने
मैं कुछ कर सकती हूँ और अपने आप को केयर करना है और खुद को हील कर सकती हूँ, ये भरोसा मुझे इस प्रोग्राम से मिला है। और मेरे को बहुत कम समझ में आया क्योंकि मैं पहली बार इस तरह का प्रोग्राम अटेंड कर रहे थे, तो मैं इसको मेंटेन रखने के लिए मैं आगे कंटिन्यू करना चाहती हूँ। और ये प्रोग्राम के लिए मैं अभी ऑलरेडी मैंने अपने करीब में बहुत लोग है जिनको मैंने शेयर किया है मुझे अच्छा लग रहा है करके, तो मैं भी आगे भी मैं लोगों को बताऊंगी कोई ना कोई अपना फायदा लेने के लिए इसमें जुड़ने का चांस मिलेगा, ये मैं होप कर रही हूँ। और तुलिका से मैं एक बात बताना चाहती हूँ, तुलिका हम सब आपके साथ हैं, कभी अपने आप को अकेले नहीं फील करना, कभी भी आपको लगेगा किसी से बात करने का है, हम लोग कभी सामने सामने मिले नहीं लेकिन ऑनलाइन मिला है, इसलिए हाँ कभी भी आपको लगेगा हमें में से किसी को भी आप बात करने के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं, कभी अकेले नहीं फील करना। थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम। थैंक यू। हाँ जी, और कौन बोलना चाहेंगे? मैं बोलना चाहूंगी। हाँ जी, अमित। मेरा नाम श्वेता है एंड आई एम 40 इयर्स ओल्ड, आई एम फ्रॉम बैंगलोर। एंड ये 6 वीक्स ये प्रोग्राम जो था हमें शैलजा और शैलजा ने इंट्रोड्यूस कराया था हमें, शी इज माई नेबर, एंड उनसे हमें इस प्रोग्राम के बारे में पता चला, सो वी ऑल्सो थॉट ऑफ ट्राई टू टेक सम बेनिफिट्स एंड इम्प्रोवाइज इन आर लाइफ। सो इस 6 वीक्स प्रोग्राम में मेरे में जो चेंजेस आए हैं वो ये है कि आई एम स्टार्टेड फीलिंग लाइटर, थोड़ा हल्का फील होता है, एंड इनफैक्ट एनर्जी लेवल्स भी इंक्रीज हुए हैं बाय द एंड ऑफ द डे। फर्स्ट डे इट वॉज, फर्स्ट 2 डेज वर क्वाइट डिफिकल्ट, एंड फर्स्ट डे काफी क्रेविंग भी रहती थी, दो आई हैव डन मेनी प्रोग्राम्स बट इस बार ऐसा हो रहा था कि कंट्रोल नहीं हो पाता था अपनी फूड एपेटाइट पे एंड लाइकिंग्स पे, क्रेविंग्स बहुत होती थी, सो आई वॉज क्वाइट सस्पिशियस कि मैं कंट्रोल कर पाऊंगी कि नहीं। फर्स्ट 2 डेज वॉज डिफिकल्ट, देन 3rd डे ऑनवर्ड इट डिडंट फील लाइक कि कुछ कमी है या कुछ मुझे खाने का मन है, सो वो एंड ऑफ द डे में एनर्जी लेवल भी बढ़े, एक एंग्जाइटी लेवल भी मेरा रिड्यूस हुआ, बिकॉज व्हेन आई यूज टू स्लीप मेरा नींद में ही आई यूज टू गेट एंग्शियस एंड हार्ट पैल्पिटेशन बहुत होती थी, एंड दैट आई हैव नोटिस्ड इन 1 वीक आई हैव नॉट इवन विटनेस वन एंग्जाइटी लेवल्स जो है मेरे स्लीप में, एंड दिन में भी इट वॉज लाइक वेन आई यूज टू स्लीप मतलब कि थोड़ा बहुत थॉट्स वगैरह आते थे, एज आई हैव जस्ट स्टार्टेड माई न्यू वर्क बिफोर आई वॉज टीचिंग एंड ड्यू टू हेल्थ कंस्ट्रेंट आई हैव टू लीव माई टीचिंग जॉब एंड आई एम डूइंग आई एम वर्किंग एज एन आर्टिस्ट, फ्रीलांस आर्टिस्ट, सो बेसिकली वो काम करते करते भी मेरे को बहुत स्ट्रेस होता था बिकॉज आई हैव इन्वेस्टेड अ लॉट इन दैट वर्क एंड इट वॉज गोइंग स्लो, सो वो बहुत स्ट्रेस आता था, सो आई हैव टेकन जो चीजों को लेने का नजरिया है वो अब थोड़ा बदल गया है, एंड विद दोज ऑल ऊर्जा योगा एंड ऑल मेरी ब्रीदिंग कैपेसिटी भी बढ़ी है, बिकॉज व्हेन आई यूज टू टॉक ऑन फोन माय मॉम यूज टू से और समबडी माय फ्रेंड दे यूज टू से आर यू रनिंग आर यू डूइंग समथिंग, आई सेड नो आई एम जस्ट सिटिंग, सो माय ब्रेथ यूज टू बी लाइक वेरी हैवी, आई यूज टू पेंट वेरी हैवीली, सो दैट आई ऑल्सो नोटिस दैट वाइल टॉकिंग ऑन फोन वो भी कम हो गया है, नहीं तो ऐसे लगता था मैं कहीं दूर से भाग के आ रही हूँ फोन पे बात करने के लिए, सो उस वेट में अभी मेरा कुछ टाइम से मेरा वेट बिल्कुल नहीं हिल रहा था, इट वॉज लाइक अभी 6 वीक्स में 6 डेज में मेरा 2 kgs नीचे हुआ है, एंड इंच जो मेरी बिल्कुल ही बहुत टाइम से नहीं हिल रही थी वो आई हैव नोटिस हाफ इंच लॉस भी हुआ है, एंड सूर्य नमस्कार तो मैंने शायद पता नहीं कब शायद किया होगा, मेरे को याद भी नहीं है लास्ट, तो मैंने इस प्रोग्राम में आके सूर्य नमस्कार शुरू किया वो भी बहुत डर डर के, बिकॉज आई हैव बीन अंडरगॉन बैक सर्जरी ऑफ L5-S1 एंड मेरे को तो थोड़ा वो एक बहुत ज्यादा उसमें घबराहट हो रही थी शुरू करने में, बट स्लोली एंड स्लोली
जब मैंने फर्स्ट किया था आई नोटिस कि मैं अपनी टांग भी आगे नहीं लेके आ पा रही थी, तो उसमें धीरे धीरे अब जैसे आज छठा दिन हो गया तो आई हैव नोटिस्ड कि वो मूवमेंट में जो है एक फ्लो आ रहा है, एक फ्लिक, मतलब कि मेरे को थोड़ा फ्री फील हो रहा है मेरी लेग्स की मूवमेंट में, मेरे को फ्री फील होता है। सुबह मॉर्निंग में उठ के मेरे को लेग में, जो राइट लेग में क्रैम्प आता है वो है बट हल्का है, नहीं तो वो थोड़ा सा भी स्ट्रेच करो तो लेग एकदम से पुल हो जाती थी। सो आई हैव नोटिस्ड ऑल दीज चेंजेस। थोड़ा बैक में भी जो स्टिफनेस है वो थोड़ा कम हुई है मॉर्निंग में उठते ही, और मतलब ओवरऑल आई हैव नोटिस्ड कि थोड़ा टेम्परमेंट भी, जो बहुत सारे मूड स्विंग्स हो रहे थे वो थोड़ा कम होना शुरू हो गए हैं, जो मैं लाइटर भी फील करती हूँ सारा दिन में, नहीं तो बहुत चिड़चिड़ाहट या गुस्सा आता है काम की टेंशन की वजह से, कभी बेटे पे निकलता है, कभी हस्बैंड के साथ इरिटेट होके बात करती हूँ, तो वो सब भी चीजों में काफी फर्क आया है। और एज कम्पेयर टू आज हस्बैंड में अभी साथ में नहीं है, ही इज बिजी विद लिटिल ऑफिस वर्क, उनका थोड़ा दो दिन से थोड़ा काम आया हुआ है, एंड उनके भी पैरामीटर्स इन हिज 45 years, this is the first time he did 24 hours fasting. हम लोग तो करवा चौथ का व्रत रखते ही हैं, तो इसलिए we are used to that. But he was like कि in 45 years I have never done this and this is the first time I'm doing it. And उनके भी parameters में improvement है, like उनका भी पीछे test हुआ था तो उनकी sugar borderline आई थी. So it was breakfast से पहले जो उनका fasting में उनकी about 130 कुछ थी, तो अभी उनकी नहीं 110 थी और जो उनकी अभी 80 आई है, अब उनकी 80 आती है fasting में. So अपने आप में वो भी बहुत lighter feel कर रहे हैं, उन्होंने about 3 kgs of weight loss किया है इस 6 days में. एंड उनके भी थोड़ा टेम्परमेंट में, एज ही इज अ शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन, तो और काम का भी स्ट्रेस बहुत रहता है, सो ही इज ऑल्सो लाइक फीलिंग लिटिल रिलैक्स्ड एंड लिटिल स्ट्रेस फ्री. एज IT जॉब्स में इतना टेंशन होता है कि वो घर पे भी दिखने लगता है, सो आई वॉज वरिड अबाउट हिज हेल्थ ऑल्सो. सो नाउ ही सेज दैट ही वुड लाइक to continue. He was saying that why I was not doing intermittent fasting for such a long time, because I've been telling him to do it. So he was not ready to listen to me at all. So now he says, now I would prefer that you give me dinner by 6 p.m. and I would like to continue this thing. I feel very light. So thank you, JJ sir, for this guidance. And thank you, Shailja, for introducing us to this program. So if I, in 17 years of marriage, I could not change his eating habits. He is a foodie and he is a pakka chatora. And same is with my son. He is also like, he is a 14 years old kid. So my son is also like, mama. Now I told him, ki jitna tune sabzis, fruit, itni saalon mein nahi khaya, itna ro ro ke wo din ka ek fruit khata tha. आज ही इज लाइक कि मम्मा नहीं, मुझे तो सैलड्स बहुत अच्छे लग रहे हैं. तो घर में खाली मैं ही ये प्रिकॉशंस लेती थी, ये दोनों बिल्कुल नहीं लेते थे. आज शैलजा और जेजे सर की वजह से इन दोनों ने, मतलब कि जो मैं इतने टाइम से मेरे को इन दोनों की हेल्थ को लेके स्ट्रेस हो रहा था, आज मेरा वो भी स्ट्रेस जो है काफी कम हो गया है. बहुत बढ़िया, बधाई हो. थैंक यू सर, थैंक यू, एंड थैंक यू टू ऑल फॉर मोटिवेटिंग अस एंड हिम स्पेशली. हाँ जी, शैलजा जी आ जाओ. सर आपको देखो धन्यवाद मिल रहा है, देखो एक अच्छा एक पुण्य का काम किया है आपने. अनम्यूट करिए अपने आपको. सर नमस्कार. नमस्कार सर, पुण्य का काम किया है आपने, देखो ये घर को अच्छा स्वस्थ, सर हम चाहता है सब लोग खुश रहना है, सब लोग स्वस्थ रहना है, तो हमारा तरफ से कुछ भी होने दीजिए हो करेंगे के लिए तैयारी है हम, तो ये तो हमारा काम है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता है कि जो लाइफस्टाइल है बहुत कुछ बदल गया, बहुत कुछ बदल गया. मतलब हम देख रहा है अभी हमारा जितना ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है हमारा बॉडी में, हम देख रहा है. रियली वी फील सो प्राउड. अभी सर हमने जब प्रोग्राम में ज्वाइन किया था 6 सूर्य नमस्कार करता था. आज आप, आई एम टेलिंग यू very honestly, last 10 days, every day, 108. एक श्लोक में तीन तीन चालू करने कर दिया.
एंड मैंने तो 6 किलो वेट लॉस कर लिया, ऑलमोस्ट 6 kgs आई एम डाउन नाउ. अभी बहुत कुछ लाइट फील होता है, जितना डिस्ट्रैक्ट होता था माइंड अभी कम हो गया है. ये भी ज्यादा फूडी था सर, बहुत फूडी था. अभी आराम से हूँ, मतलब फल खाता हूँ, मतलब सब्जी खाता हूँ, सूप खाता हूँ, बहुत कुछ अच्छा लग रहा है. अभी हमको ये ऐसा मतलब मसाला डोसा खाना है करके फील ही नहीं हो रहा है. ये तो मालूम नहीं है क्या जादू हो गया है, बट आई डोंट फील लाइक ईटिंग. बट अच्छा होता है सर. और दूसरा था कि आजकल हम आपका प्रोग्राम खत्म होने के बाद कम से कम 20 किलोमीटर साइकिलिंग कर रहा हूँ हर रोज, तो मतलब बहुत एनर्जी हो रहा है, होल डे एनर्जी रहता है. और लास्ट 28 डेज में मैंने एक्चुअली 4 बार 24 आवर्स का फास्टिंग किया था, बट हर रोज 18 आवर्स एंड 16 आवर्स फास्टिंग मेंटेन कर रहा है. तो ये बहुत कुछ अच्छा लग रहा है. एंड स्पेशली फॉर माई वाइफ आई थिंक बहुत चेंजेस मैं देख रहा हूँ उसका अंदर, मतलब हेल्थ का हिसाब से बहुत कुछ चेंजेस देख रहा हूँ. बिकॉज मैं मेरे को अभी अभी याद है कि हर रोज रात में सोने का टाइम में आपका पाँव लगाओ, मेरा पाँव का ऊपर दर्द हो रहा है करके बोल रहा था. आज कितना दिन हो गया, 25 दिन हो गया शायद, वो कुछ भी बोलता नहीं, आराम से सोता है. तो बहुत अच्छा लग रहा है सर, थैंक यू सो मच. सर एक और इम्प्रूवमेंट, सर जो है अब पाँव नहीं लगाना, हाथ लगाना इनके पैरों को. नहीं सर, 10 ईयर से मैं ठीक से नहीं सो पाती थी. वो सायाटिका पेन, L4-L5 का सायाटिका पेन से मुझे रात में सोने का ही डर होता था. मैं कितने बार बोली हूँ इनका, तो मुझे रात में सोने का मन नहीं होता है, डर होता है, ऐसा होता था. अभी सोने से ही इमीडिएटली नींद आ जाता है सर मुझे. 4 बजे उठ जाता है आराम से, 4 बजे उठ के ठंडा पानी स्नान का जब से चालू किया है एकदम मने इट इज आउट ऑफ वर्ल्ड, मतलब बहुत अच्छा फील होता है. सर एक और बात इम्प्रूवमेंट हुआ है, कल से वो मैं आइडेंटिफाई की, मैं चश्मा लगाती थी 40 आंख का, अभी दो दिन से मैं ऐसे ही देख पाती हूँ. वो स्मॉल लेटर्स सभी पढ़ने के लिए हो रहा है सर विदाउट ग्लास. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. मैं वो आइडेंटिफाई कर रही हूँ सर, अच्छा से विदाउट ग्लास पढ़ रही हूँ, मैंने वो इम्प्रूवमेंट दिखा है. इसको नहीं पहनना है, मैं आपको इस खुशी में, किस खुशी में गिफ्ट भेज रहा हूँ आपके लिए. चश्मा भी टूट गया है सर. ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया. थैंक यू सर. आप आ रहे हो ना सेमिनार में दोनों? हाँ सर आ रहे हैं. कितने बजे आओगे? 11:30. आ जाओ, आ जाओ. ओके सर, थैंक यू सर. हाँ जी अलका, आ जाओ आप. अलका, अलका आपको जल्दी थी, कहाँ हो अलका? हाँ दिख गए, दिख गए. नमस्ते जी. सर मैं बस जल्दी से अपना परिचय देके अपनी बात कहती हूँ कि मेरा नाम अलका है, मैं एक HR कंसल्टेंसी में काम करती हूँ. और ऐसे ही स्क्रॉल करते हुए फेसबुक आपका प्रोफाइल आया और सेम डे मैंने आपको कांटेक्ट किया. उसी दिन डिसीजन लिया कि प्रोग्राम ज्वाइन करना है, क्योंकि वो जो छोटा सा आपका क्लिप था वो भी इतना मोटिवेट किया मुझे कि हाँ यहाँ पे कुछ है जो कि अदर देन आयुर्वेदा, अदर देन डाइट, ये सेल्फ हीलिंग है, सब कुछ जो कि सेल्फ हीलिंग के थ्रू कर सकता है. सबसे अच्छी आपकी बात लगी कि आपको किसी और की जरूरत नहीं है, किसी भी पंचकर्म में जैसे पड़ती है कि कोई और आके मालिश करेगा, आप खुद अपने सारे काम खुद से करिए, खुद से क्रियाएं करिए अपनी. और जो मेरी अभी 6 दिन की अचीवमेंट है वो मैं अभी वेट का तो इतना नहीं जानती, क्योंकि अभी वेट में चेक कर नहीं पाई हूँ, वैसे भी इतना ज्यादा था नहीं. वो है मेरी 40 आवर्स की वाटर फास्टिंग, मेरा स्लीप जो कि मैं बहुत दिन से ट्राई कर रही थी, बस स्लीप पैटर्न सही नहीं हो रहा था, अब हो गया है. और सबसे अच्छा जो मुझे लगा था कि जब डे वन पे आपने बताया था कि ये तो होगा ही नहीं कि ऐसे करके जो एक नाक से उलोम विलोम होता है वो राइट वाले से तो काफी अच्छे से हो जाता है, लेफ्ट में थोड़ा सा है कि लगता है सांस लेते वक्त नहीं हो रहा, बट ये मैं कर पा रही हूँ, वो मैंने बिल्कुल इमेजिन नहीं किया था कि मैं कर पाऊंगी ये वाली क्रिया. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. तो सर ये रही मेरी 3 छोटी-छोटी अचीवमेंट्स. और बाकी जो क्रॉनिक डिजीज है वो मुझे पता है कि 6 दिन इज टू लेस की उसके बारे में जानना, इससे पहले भी इंटरमीटेंट फास्टिंग के बारे में सुना था लेकिन मैं वैसे ही करती थी कि 12 बजे तक फ्रूट खाती थी, फिर मैं अपना दाल चावल या रोटी, रोटी तो नहीं खाती थी क्योंकि ग्लूटेन और डेयरी छोड़ा हुआ था,
और शाम को फिर खाना 8 बजे तक खा के फिर मैं सोती थी। तो अब जब आपने बताया कि बिल्कुल राइस भी नहीं खाना है, तो उससे भी फर्क लग रहा है कि हाँ, अब मुझे लगता है कि हाँ, अगर मैं ऐसी फ्रूट वेजिटेबल विदाउट सॉल्ट वाली डाइट पे, जैसे सॉल्ट भी बहुत कम ही खाती थी मैं, शुगर तो बिल्कुल छोड़ रखा है अभी, तो अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा और टाइम लगेगा, बट मैं सेल्फ हीलिंग प्रोसेस में और आगे आ जाऊंगी। और रही बात सर आपके साथ कंटिन्यू करने की, तो मैं तो सोच रही हूँ कि नॉट फॉर 6 डेज, नॉट फॉर 1 मंथ, इट शुड बी अ लाइफ टाइम। चाहे आप एज अ वॉलंटियर ही रख लेना, कि मैं कभी कभी आके आपके सेशंस में जितना मेरे पास टाइम होगा, मैं पूरा का पूरा टाइम आपके साथ ही देना चाहूंगी। बिल्कुल, हमारा एचआर डिपार्टमेंट आप संभाल लो ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और हम आपके ह्यूमन रिसोर्सेज को अच्छा कराते हैं, देखो। हाँ। आपके जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उसको हम बढ़िया करा देते हैं, हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज को आप बढ़िया करा दो। हाँ सर, बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आप कंटिन्यू तो करना है आपको, अगला कोर्स करना है 24 तारीख से? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, और फिर आपसे बात करूंगा मैं बैठ के। हाँ, हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्ते विनायक जी, आ जाइए। विनायक कुलकर्णी जी, आ जाइए। सर सुनाई दे रहा है? मैं क्या बोल रहा हूँ? सुनाई दे रहा है सर। अच्छा सर, मैं तो ये बोलने के लिए, मैंने ये कह के, मेरा तो बहुत नुकसान हो गया सर, मेरा तो मेरे सारे पैंट्स ढीले हो गए। मुझे अभी नए पैंट्स लेने पड़ेंगे सर, क्योंकि मेरा अभी वजन 8 किलो से कम हो गया सर, 8 किलो। क्या बात है। 80 केजीस था और कल मेरा 80 मैंने किया तो 80 किलो था। और इतने दिन से तो मैं सर कम से कम 3 हफ्ते से मैं तो नाइट पैंट ही पहन रहा था, जिसको नाड़ा होता है अच्छी तरह से। लेकिन आज मैंने जब मेरे रेगुलर पैंट पहने तो मुझे रियलाइज हो गया कि पैंट सब लूज हो गए। एक तो बहुत बहुत हल्का लग रहा है, एनर्जेटिक लग रहा है, और एक काम करने में अलग सा एक जोश भी आ गया है अभी। बहुत बढ़िया। सो थैंक यू सर वेरी मच। सर आज सेमिनार में आ जाओ आप, 10 बजे से 1 बजे तक सेमिनार है। हाँ सर, मैं भी बीच में थोड़ा तभी मेरे लैपटॉप का वगैरह काम है, लेकिन मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा मैं सर। कितने बजे आ सकते हो? सर 11 के बाद काम तो चलेगा सर, 11:30। हाँ, 11 बजे करीब आ जाओ, 11:30 आ जाना वापिस, आधा घंटे के बाद 11 बजे। आप उसमें मैसेज कर देना उम्मी को, सबसे पहले आपका ले लेंगे टेस्ट। थैंक यू, थैंक यू सर वेरी मच। यू आर वेलकम। हाँ जी, और कौन आ रहे हैं? हाँ जी, सबका खत्म हो गया तो मैं बोलूंगी सर। नहीं, सबको जल्दी था इसलिए मैंने चुप बैठी। नहीं, और भी, अभी और भी है। संजय जी बाद में बोलूंगी सर, कोई अच्छा। मुझे कोई गड़बड़ नहीं है। संजय जी पास तो टाइम ही टाइम है। हाँ जी संजय जी, संजय जी और किसका रहेगा? सबका हो गया, आ जाओ। संजय जी दिख नहीं रहे, रेखा जी आ जाओ। अच्छा सर, ओके। और मेरा क्या बताऊं सर, मुझे तो क्रोनिक कोई भी नहीं था, लेकिन जो भी है मैं बहुत हेल्दी फील कर रही हूँ, और वजन मेरा अभी देखा तो 3.5 किलो कम हो गया है सर। अरे वाह, बहुत ही बड़े। 3.5 किलो कम हो गया है। और बाकी का नी पेन का बोली ना, आज सुबह थोड़ा सा नी पेन था सर, इसलिए मैंने सूर्य नमस्कार नहीं कर पाई, चलेगा लेकिन मैंने पर्पज नहीं किया, क्योंकि रहने तो थोड़ा रेस्ट मिलने दो उसको करके। लेकिन योगासन किया मैं, तभी बेड योगा वगैरह कर लिया उसी टाइम में, पहले भी किया था और सेकेंड राउंड किया मैंने। और बाकी का तो सब बढ़िया है, कुंजल तो कर रही हूँ अभी। मैं अभी थोड़े दिन तक कुंजल शुरू करूँ क्या सर, ऐसे रोज करूँ क्या? नको देखिए, अगर जैसा पानी पी रहे हैं वैसे निकल रहा है तो फिर जरूरत नहीं है। नहीं, थोड़ा सा कफ आ रहा है उसमें से, लास्ट में ना, पहले नहीं आता है, लास्ट में ना थोड़ा सा चिपचिपा सा कफ जैसा निकलता है। एक दिन छोड़ के एक दिन कर लो। ओके सर। और बाकी का तो बहुत बढ़िया है। और मैंने मेरे 5-6 सहेलियों को डाला है सर कल के लिए, कल का जो आपका है ना, फिर उनको तो पैसे भरना नहीं पड़ेगा ना, वो तो डायरेक्ट ज्वाइन हो जाएंगे ना। कर सकते हैं ना। ओके चलेगा।
और मैं भी आऊंगी सर कल, हाँ कल आऊंगी और मेरा जो भी है वो सब मैं लिख के अच्छे तरह से शेयर करूंगी। और एक बात कल नहीं है, आज ही है, आज है 10 बजे से 1 बजे तक आ जाए क्या? ओके ओके, अभी मैंने डाला है, अभी सुबह सुबह डाला है, फिर वो डेट देख लेंगे वो लोग। हाँ आज आ जाऊंगी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं 11-12 बजे तक आ जाऊंगी। ठीक है, ठीक। हाँ और एक पूछने का था सर, अभी शुद्धि किट कब आएगा हमारा? शुद्धि किट हमारा सोमवार में डिस्पैच करेंगे आपको। ओके ओके, चलेगा चलेगा। और मैं और एक बात बोलने का था सर, आपने जो बोला ना वो कैंटीन का वगैरह, उसमें भी इंटरेस्टेड हूँ मैं एक्चुअली। हमारे नीचे ही ना मेरा एक शॉप है, वो तो अभी लेट आउट किया था, अभी वो छोड़ा दिया उसको, वो तो खाली है। वहां पर अगर हम लोग ये शुरू कर सकते क्या, ऐसा मैं ही सोच रही हूँ। ठीक है, ठीक है। और एक आपने बोला ना अमा तुझे सलाम, उसमें भी मुझे इंटरेस्ट है, तो वो भी करने का सोच रही हूँ। वो बाद में सोचेंगे सर, अभी अभी थोड़ा मैं परफेक्ट हो जाऊं इसमें, बाद में वो सब कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ओके सर, और कुछ नहीं, हाँ बाकी सब अच्छा है। और किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं, किसी का भी कोई प्रश्न हो, और नहीं तो मिलते हैं फिर। करन, मेरा एक प्रश्न, आप भी आएंगे सर? मेरा एक प्रश्न है। हाँ बोलिए। तो आप बोल रहे हो ना सब माफ कर दो, फॉरगिवनेस, वो थोड़ा सा जम नहीं रहा है, उसके लिए कोई शॉर्टकट है क्या? नहीं, उसके लिए शॉर्टकट नहीं है, अलग से प्रोग्राम करते हैं उसका हम, लव योरसेल्फ हील योर लाइफ। ओके, हाँ तो देखिए अगर करेंगे तो आपको बुला लेंगे, उसमें आप आइए, आप करिए उसको। ओके सर, ओके, उसमें फॉरगिवनेस करना ही सिखाते हैं हम उसमें। ओके ओके ओके, थैंक यू। ओके, नमस्ते। नमस्ते जी। ठीक है स्तुति जी, आप भी आएंगी, आप भी आ जाइए। और करण बहादुर जी, आपका क्या प्रोग्राम है सर आज? सर मैंने बताया सर, 11 बजे मैं रह जाऊंगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, सबका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।